दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। कोरोना वायरस की वजह से भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और इन हालातों में भारत में क्रिकेट की दोबारा से शुरुआत करना बीसीसीआई के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि आईपीएल 2020 हमें डेफिनेटली 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल 2020 की होस्टिंग के लिए बीसीसीआई के पास एक और लेटर लिखा है जहां पर 6 टॉपिक्स पर बातचीत की गई है और वहां पर कहीं ना कहीं स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई पर थोड़ा सा भड़का हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि उस लेटर में स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल 2020 के पोस्टपोन होने के कारण जो लॉस हुआ उसके बारे में भी जिक्र किया। और इस वीडियो में हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी से कुछ टाइम पहले भी स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई के पास एक लेटर लिखा था जहां पर आईपीएल 2020 को लेकर कंफर्मेशन बीसीसीआई ने मांगा था और उसके बाद वो सारा मसला सोल्व हो गया था। लेकिन अब दोबारा से स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई को एक और लेटर लिखा है, बहुत बड़ा लेटर यहां पर स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा है, लेकिन हमने इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और यहां पर हम उन मेन पॉइंट्स के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं जो स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई से इस लेटर के दौरान कही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो एक बार फिर से यही रखा गया था कि आईपीएल 2020 के शेड्यूल पर आप हमें जल्द से जल्द अपना डिसीजन बता दीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट में स्टार स्पोर्ट्स ने बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है और फिलहाल सभी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो यहां पर क्या स्पॉन्सर पैसा देने के लिए स्टार स्पोर्ट्स को पूरी तरह से तैयार है, इसको लेकर फिलहाल स्टार स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुका है। उसके बाद बातचीत करते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने ऐसा कहा कि स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल के राइट्स 5 साल के लिए 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे थे, लेकिन फिलहाल मार्केट्स पूरी तरह से लो है और जो एडवर्टाइजमेंट्स वाली कंपनी है उनका भी बजट पूरी तरह से लो है, तो ऐसे में यहां पर स्पॉन्सर की बहुत ही ज्यादा कमी होने वाली है, जिसके चलते यहां पर आईपीएल 2020 का होस्ट करना भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स को भी नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद आगे बातचीत करते हुए कहा कि बीसीसीआई यहां पर आईपीएल 2020 को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिलहाल मानसून शुरू हो चुका है और मानसून में भारत में किसी भी टाइप का कोई भी क्रिकेट नहीं खेला जाता है, तो वहां पर स्टार स्पोर्ट्स ने ऐसा भी साफ कर दिया कि अभी आईपीएल 2020 नहीं खेला जाना है, मानसून के बाद ही आईपीएल 2020 की शुरुआत होगी। उसके बाद बात करते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने अपने लेटर में यह चीज भी पॉइंट आउट की कि आरएस सोडी जो अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने हाल ही में ओपनली अब अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि फिलहाल जो अमूल कंपनी के जो ब्रांड्स उनकी बार्गेनिंग काफी लो है, उनकी डिमांड्स बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके चलते वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने वाले हैं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट तो उतने ही कराएंगे लेकिन उसके लिए वो काफी कम पैसा यहां पर स्टार स्पोर्ट्स को देंगे। उसके बाद आगे बातचीत करते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने कहा कि हमें यहां पर आईपीएल 2020 के पोस्टपोन होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हमारी आईपीएल 2020 की शुरुआत से पहले डील हो चुकी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते यहां पर स्टार स्पोर्ट्स लगातार पिछले 4-5 महीने से तगड़े घाटे में चल रहा है, तो जल्द से जल्द आईपीएल 2020 पर डिसीजन लेने के बारे में ही यहां पर स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई के पास अनुरोध भेजा है। जैसे ही बीसीसीआई इस लेटर का रिप्लाई करती है तो सबसे पहले अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया पर ही मिलेगा, इसीलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.